सबको एक साथ एक झटके में दबका डालेंगे, खेल खत्म। तो फाइनली फ्रेंड्स, नानी की आने वाली पेन इंडिया फिल्म दशहरा अब इस मूवी का टीजर आउट कर दिया है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दशहरा मूवी के हिंदी डब्ड वर्जन में नानी को किसने वॉइस ओवर दिया और साथ ही साथ इस मूवी को हिंदी में कौन डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को फाइनली कम्प्लीट देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दशहरा अपकमिंग इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा वाली फिल्म है, जिसके डायरेक्टर है श्रीकांत ओडेरा और इस मूवी के प्रोड्यूसर है सुधाकर चेरुकुरी। और फ्रेंड्स, मूवी के अंदर हम सभी को संतोष नारायणन का म्यूजिक सुनने को मिलेगा और इस मूवी के स्टार कास्ट में हम सभी को देखने को मिलेंगे नेचुरल स्टार नानी, कीर्ति सुरेश, साई कुमार और साइन टॉम चाको। और फ्रेंड्स, अब बात करें दशहरा मूवी के टीजर के बारे में। तो फ्रेंड्स, दशहरा मूवी का टीजर 30 जनवरी को शाम को 4:05 पर रिलीज किया गया है। और फ्रेंड्स, इस मूवी के टीजर को तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा सभी भाषाओं में रिलीज करवाया गया है। और फ्रेंड्स, इस मूवी का हिंदी टीजर रिलीज किया गया था सारे गामा म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर। मूवी का टीजर 1:15 का है और फ्रेंड्स, इस मूवी के 1:15 टीजर ने कमाल कर दिया। मूवी का टीजर बहुत ही शानदार निकल कर आया है। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मूवी के हिंदी बैनर, हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर और हिंदी रिलीज डेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, दशहरा जो कि एक पेन इंडिया फिल्म है जिसको रिलीज किया जाने वाला है 30 मार्च 2023 में। जी हां फ्रेंड्स, ये मूवी हम सभी को 30 मार्च 2023 में देखने को मिलेगी, जहां पर इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा में भी रिलीज किया जाएगा सिनेमाघरों में। बात करें फ्रेंड्स इस मूवी के हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में, तो फ्रेंड्स इस मूवी का हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर से AA फिल्म्स। जी हां फ्रेंड्स, इस मूवी को हिंदी में AA फिल्म्स वाले डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इस मूवी के जो हिंदी बैनर है वो है एडवाइस मीडिया एक्शन मूवी प्लेक्स यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, दशहरा मूवी के हिंदी टीजर में शरद केलकर ने नानी को हिंदी वॉइस दी है। जी हां फ्रेंड्स, शरद केलकर ने नानी को हिंदी वॉइस दी है दशहरा के हिंदी वर्जन के टीजर में। अब पता नहीं फ्रेंड्स फुल मूवी के अंदर भी क्या शरद केलकर की वॉइस सुनने को मिलेगी या फिर पुष्पा के टाइम जैसे इस बार भी कुछ देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, मूवी के स्ट्रीमिंग राइट्स को खरीदा है नेटफ्लिक्स ने, जहां पर इस मूवी के स्ट्रीमिंग राइट्स को नेटफ्लिक्स ने तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम चारों भाषाओं के स्ट्रीमिंग राइट्स को खरीदा है। और फ्रेंड्स, दशहरा मूवी का ट्रेलर हम सभी को देखने को मिलेगा मार्च के 2nd वीक तक। जी हां फ्रेंड्स, मार्च के 2nd वीक तक दशहरा मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर देखने को मिल जाएगा सभी साउथ इंडियन भाषाओं के साथ साथ हिंदी भाषा में भी। और फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में जिस मुझे दशहरा मूवी से जुड़ी कोई भी अपडेट मिलती है तो मैं आपको आने वाले वीडियोस में जरूर बताऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे भी सिलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे फिर से किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।